G20 को लेकर दिल्ली NCR में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, आइए आपको बताते हैं कहां से जाए और कहां से नहीं। सभी सवालों के जवाब के लिए स्वागत है आपका हापुड़ हलचल पर और मैं हूं तुषार शर्मा। G20 कार्यक्रम नई दिल्ली लुटियंस दिल्ली में होने हैं, इसलिए यहां प्रतिबंध ज़्यादा है। नई दिल्ली ज़िले के पूरे इलाके को 8 सितंबर सुबह 5 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक नियंत्रित जोन 1 में रखा गया है। अब बात करते हैं नियंत्रित जोन 2 की। 9 सितंबर की रात 12 बजे से 10 तारीख के दोपहर 2 बजे तक नियंत्रित जोन 2 में आवाजाही बाधित रहेगी। नियंत्रित जोन 2 के दायरे में नई दिल्ली के अलावा तिलक मार्ग, डब्ल्यू पॉइंट, ITO क्रॉसिंग, विकास मार्ग, बहादुरगढ़ शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, चमन लाल मार्ग, आसफ अली रोड, महाराजा रंजीत सिंह मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, रिंग रोड, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के टी पॉइंट से कश्मीरी गेट बस अड्डे तक, IP फ्लाईओवर, शांतिवन चौक, हनुमान सेतु और सलीमगढ़ बाईपास आएंगे। अब बात करते हैं नियमित जोन 2 की। 8 तारीख की सुबह 5 बजे से 10 बजे की रात 12 बजे तक रिंग रोड के अंदर की ओर का पूरा इलाका रेगुलेटेड जोन में आएगा। अब बात करते हैं इस दौरान दिल्ली में क्या क्या बंद रहेगा। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडप में तैयारियां की गई हैं। सम्मेलन से जुड़े सारे कार्यक्रमों का आयोजन भारत मंडपम में ही किया जाएगा, इसलिए दिल्ली सरकार ने 8, 9 और 10 सितंबर को छुट्टी का ऐलान किया है। दिल्ली में स्थित केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग, कार्यालय, संगठन, उपक्रम, निगम, बोर्ड, संवैधानिक निकाय, शैक्षिक संस्थान आदि 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। इनके अलावा सभी निजी कार्यालय, शैक्षण और व्यावसायिक संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे। साथ ही नई दिल्ली पुलिस जिले के अधिकतर क्षेत्र में सभी वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान, दुकानें, वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। नई दिल्ली और NDMC क्षेत्र में ऑनलाइन खाना मंगवाने जैसे डिलीवरी सेवा भी नहीं मिलेगी। हालांकि मेडिकल जांच के लिए घर आकर सैंपल लेने की अनुमति होगी। नई दिल्ली में बाहरी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। यहां DTC, क्लस्टर, बाहरी वाहनों और निजी बसों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। आइए अब जानते हैं कि इस दौरान दिल्ली में क्या क्या खुला रहने वाला है। तो बात करते हैं 7 सितंबर तक पूरी दिल्ली सामान्य दिनों की तरह चलती रहेगी। नई दिल्ली NDMC क्षेत्र में 8 से 10 सितंबर तक सभी दुकानें और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। नई दिल्ली ज़िले के अलावा दिल्ली के बाहरी इलाकों के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के दूसरे इलाकों में आवश्यक सेवाओं, चिकित्सा आदि और किराना स्टोर, सब्जी, दूध, दवा आदि की दुकानें खुली रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर दिल्ली में मेट्रो चलती रहेगी, सभी स्टेशन खुले रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।